तो देखो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसे याद करने में बहुत दुख होता है। दुख समझ रहे हो? मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसका हमको एरिया निकलना है। मान लो ये मेरा पॉइंट एक्स वन और वाई वन है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट एक्स टू और वाई टू है, और ये पॉइंट जो है मेरा एक्स थ्री और वाई थ्री पॉइंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड लगाते हैं शुरू में, फिर वन बाई टू, और फिर ऐसे ब्रैकेट, और यहाँ एक्स वाई माइनस वाई, और फिर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई, इतना करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला यहाँ एक्स वन, यहाँ वन, यहाँ टू ऐसे बैठा हुआ रहता है, तो जिसको रटते हो तुम लोग, ठीक है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुद से वन टू थ्री लिख दो, ठीक है, वन टू थ्री लिख दो, और इस पर पुट करो वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद वन से कहानी स्टार्ट हो गया, फिर टू से स्टार्ट करो, तो यहाँ टू, यहाँ थ्री, और टू थ्री के बाद कहाँ हो गए, वन पे, तो ये हो गया वन। फिर उसके बाद थ्री से स्टार्ट करो, थ्री वन टू, ठीक है, थ्री वन टू, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया कि एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है रटने का, आराम से तुम लोग लिख के वन टू थ्री करके आराम से पैटर्न पर बैठा सकते हो, ठीक है। अब इसी बेसिस पे सारा फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि कोई तीन गो नॉन कोलिनियर पॉइंट दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जैसे मान लो कोई तीन पॉइंट दे दिया जिसमें कि एक पॉइंट हटा के के दे दिया, के दे दिया, इनसे मान लो y3 के जगह पर एक पॉइंट दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया के, और बाकी सबका वैल्यू रखा हुआ है, तो बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तब उस टाइम क्या करना होगा कि तीनों पॉइंट जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आएगा। तो इस फॉर्मूला पे सारा जहाँ जो जो जहाँ एक्स थ्री है वहाँ एक्स थ्री, वाई थ्री के जगह पर वाई थ्री, सारा पुट कर दो, एक वेरिएबल मेरा बचेगा, एक वेरिएबल मेरा बच जाएगा, और इधर तो जीरो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सारा सॉल्व होकर हमको एक का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे सब पॉइंट दे दे तो निकाल दिया जाएगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दे एक पॉइंट हटा दे तब भी निकाल लिया जाएगा, या तीनों पॉइंट को बोले कोलिनियर है एक वेरिएबल दे दे तब भी इस पे पुट करके हम निकाल सकते हैं, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि तीनों हम लोग तीनों इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो मानते हैं और पुट करके सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको नोट करो, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है आपसे। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन अब इस पर बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लेते हैं, पुट करके अपना बना लेना, तुम लोग माइनस प्लस में ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन इस पर हम बात करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन का तो बात नहीं किया जाएगा इसमें। मान लो एक ट्रायंगल इसे दे दें हमको, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे एक्स वन वाई वन, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स टू वाई टू, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन ही बोले कि सब साइड का मिड पॉइंट को एड ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना है, सब साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना है, इसका एरिया और बड़ा वाला का एरिया कंपेयर करो, मतलब रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, ये छोटा वाला एरिया मान लो ए है, अब बड़ा वाला एरिया मान लो बड़ा ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, बड़ा एरिया है मतलब पूरा मिला के, पूरा मिला के मेरा एरिया बड़ा ए है, और ये छोटा जो ट्रायंगल बना इसका एरिया ए है, ठीक है। तो हमको निकालना है बड़ा ए बाई छोटा ए, रेशियो निकालना, ठीक, तो सॉल्व करके तुम लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि बड़ा वाला का एरिया हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल दिए और छोटा वाला का एरिया भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल दिए, डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन अगर तुमको पीछे वाला कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा तो मिड पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो, एक्स वन, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स वन एक्स टू कौन है, ये एक्स थ्री, यहाँ पे एक्स टू बन जाएगा ना, ये लोग दोनों को जोड़ो, टू से डिवाइड करो, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू, तो एक्स का पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से वाई वन प्लस वाई थ्री बाई टू, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के टू से डिवाइड किया, तुमको ये पॉइंट आएगा, उसी तरह ये भी पॉइंट आ जाएगा, ये भी पॉइंट आ जाएगा ना, मिड पॉइंट नहीं आता है, कोऑर्डिनेट में ही पड़ता है।
कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट थ्योरी नहीं पढ़ा है? वो तो हमें पता ही है। तो वही मिड पॉइंट यूज कर दिए। लाइन है, इसका मिड पॉइंट है, तो x1 x2 x2 के जगह पर यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। लोग दोनों x को जोड़ 2 से डिवाइड करो, ये पॉइंट आएगा, ये दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा खत्म। उसी तरह यहाँ भी करो, x1 + x2 / 2 x पॉइंट y1 + y2 / 2 वाई पॉइंट आ गया, उस तरह यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या करोगे कि ये ट्रायंगल का 3 पॉइंट और बड़ा वाला ट्रायंगल का 3 पॉइंट, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालोगे इस फॉर्मूला से जो अभी जस्ट बता, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, और छोटा वाला का निकालोगे उसको डिवाइड कर दोगे। लेकिन हम बात करें कॉमन सेंस की, क्या बात करें कॉमन सेंस की। अब देखो मान लो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये तो पढ़ा है कि ये और ये पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। उसी तरह ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल आधा होगा। हाँ, नाइन्थ क्लास में काफ़ी अच्छा से पढ़ा होगा ये सब चीज़। हाँ, तो इसमें देखेगा कि ये ट्रायंगल का एरिया बराबर है, बराबर है। तो बड़ा वाला ए में क्या है, छोटा वाला ए हट रहा है, चार गो। बड़ा वाला ए में क्या को छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हट रहा है, सब बराबर है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो चार गो। और नीचे ए कट के कितना आया, छोटा ए को मतलब चार, मतलब कि इसका एक हिस्सा तो इसका चार हिस्सा, मतलब अगर ऐसे दे दे कि बड़ा एज टू छोटा है तो 4:1, ठीक है 4:1। कॉमन सेंस से मान लो अगर MCQ में कहीं डाल दिया तो आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो एक सेंट्रोइड का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, सेंट्रोइड दे देता है, मान लो ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक, इसका मेडियन कहीं पे आएगा, इसका मेडियन कहीं पे जाएगा, इसका मेडियन कहीं पे जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुको, फिर से करते हैं, इसका मेडियन कहीं पे आया, इसका मेडियन कहीं पे आया, ठीक। तो ये सेंट्रोइड बना ना, ठीक है, सेंट्रोइड बना, तो इसका फॉर्मूला लिया जाता है, मान लो ये x1 y1, उसी तरह ax2 y2 और ये x3 y3। तो ये सेंट्रोइड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3 कर दो और उसी में y1 + y2 + y3 / 3 कर दो, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला आ जाएगा, सेंट्रोइड, ठीक है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड आ जाएगा, ये लिख लो, ये काम देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, कोई एक पॉइंट हटा देगा, जैसे मान लो इट्स ट्रायंगल का पॉइंट दे दिया, ठीक है, और सेंट्रोइड में एक पॉइंट हटा देगा, ये मान लो हटा दिया और सेंट्रोइड का वैल्यू सेंट्रोइड दे दिया पॉइंट, तो इसे कंपेयर करके निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करिया लग रहा है, कलर नहीं आ रहा है, ठीक। तो सेंट्रोइड वाला काम खत्म, फॉर्मूला मुक लीजिए। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ बचा है, तो बचा है प्रैक्टिस, ठीक है, अपना तुमको करना प्रैक्टिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, ठीक, और जब एग्जाम आने लगेगा तो क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला होगा इस चैप्टर से, उसको हम एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, सारा मैथ का जितना सारा चैप्टर होगा सारा का।